हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा हरियाणा क्लर्क की परीक्षा ली गई है, जो आप सभी जानते हैं, जो कि 21, 22, 23 सितंबर 2019 को हुई है, लगभग 5 शिफ्टों में। और अभी आप सभी को ऑफिशियल आंसर की चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर और बहुत सारी वेबसाइटों पर बहुत सारे पर्सन गलत आ रहे हैं, जिसकी वजह से सभी को डाउट बन रहा है कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की वजह से नहीं आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप सभी को मैं बताने वाला कि ऑफिशियल आंसर की के बारे में, तो इस वीडियो का अंत तक देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एजुकेशन विद जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आपको बता देते हैं जो ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आज 30 सितंबर 2019 हो चुकी है, नया हफ्ता लग चुका है। आज 30 सितंबर यानी कि सोमवार से शुक्रवार के बीच, ठीक है, यानी कि आपकी 5 अक्टूबर से पहले पहले आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। हमने हमारे सूत्रों के हवाले से पता करवाने की कोशिश की है कि ऑफिशियल आंसर की में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो आप सभी को बता देते हैं। अभी कुछ मंथन चल रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, आप सभी जानते हैं हरियाणा में, और ये 5 सितंबर से पहले ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। और बीजेपी चाहती है कि जो हरियाणा क्लर्क का जो रिजल्ट है वो भी इलेक्शन से पहले ही घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर बीजेपी घोषित करती है रिजल्ट तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और आप ये सभी जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बावजूद बीजेपी ने जो जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। आपका रिजल्ट 21 तारीख से पहले पहले आने की पूरी संभावना है, और 5 तारीख से पहले पहले आपके ऑफिशियल आंसर की आपको साइट पर देखने की मिलेगी। जैसे ही आती है मैं सबसे पहले भी इसी चैनल पर दिखलाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा लीजिए। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स है नीचे, आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। यह वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।